हाय फ्रेंड, तो आप लोग इमला लिखने से पहले इसको स्टॉप कर करके एक दो बार पढ़ लें ताकि इमला लिखने में कोई गलती ना निकले। लिए थे इनकी प्रतिभा से शिक्षक बहुत प्रभावित थे। गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न वे मौखिक रूप से हल कर लेते थे। किशोरावस्था किशोरावस्था के पूर्व ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ। विवाह में इन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। सन 1877 ईस्वी में बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त कर ली। इसके बाद वकालत करने लगे। तिलक
शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। इन्होंने यह भी अनुभव किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग आवश्यक है। अतः इन्होंने केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। पत्रों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। इनके कार्यों और
विचारों के कारण सब लोग इनका आदर करने लगे और इनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द प्रचलित हो गया। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, और जो आपने इमला लिखा है उसको मिलाइए, और जितनी भी गलतियाँ निकले उनको कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी कितनी गलतियाँ निकलती हैं।